ये है मड हाउस, जो हम आज इसकी जानकारी देंगे मड हाउस की। ये मड हाउस झुंझुनू जिले में राजस्थान में पड़ता है। आइए आज हम इसके अंदर का आपको दिखाते हैं। और एक बात, मड हाउस के क्या क्या फायदे हैं ये हम आपको आज बताएंगे। मड हाउस के ये फायदे हैं जो डायबिटीज जैसी बीमारियां खत्म हो रही हैं मड हाउस से। जो बीमारियां बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का, ये देखिए यार, ये मीटर लगा हुआ है जो 3x6 का है। और आइए, ये विंडो है, स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो है जो 6x3 में बनी हुई है। और ये वेस्टेज जो बोतल होती है ना बियर वाली, ये वेस्टेज बोतल का हमने डिजाइन बनाया है। ये आले हैं जिसमें आप बियर वगैरह रख सकते हैं, बियर रख सकते हैं और लग सकते हैं। और ये इन्वर्टर रख सकते हैं, डायरेक्ट रख सकते हैं इससे। ये लाइट है इन्वर्टर, ये श्री कृष्ण भगवान राधा ये झूले पे टंगे हुए हैं। ये पेंटिंग है, ये सोफा बना हुआ है जिसमें 4 शीशे लगे हुए हैं जो 1x5 के हैं। इनसे बाहर का व्यू चमकता है और अलग अलग तरह में व्यू चमकता है यहाँ का। हमने बाहर की रोशनी के लिए लगाई है। ये अलग अलग डिजाइन में बनी हुई है। आइए अब आपको हम रसोई घर दिखाते हैं। ये चिमनी है, इस चिमनी में हम पिज्जा वगैरह भी बना सकते हैं। ये चिमनी बहुत बेहतरीन करके बनाई गई है। इसमें आप कुछ यहाँ पे आग जला सकते हैं नीचे और ऊपर कुछ भी बना सकते हो। ये स्लैब वगैरह हैं। ये लाइब्रेरी है, इसको हम ड्राइंग टेबल में भी यूज कर सकते हैं। खाने वगैरह खाने के लिए पुस्तक वगैरह रख सकते हैं। ये बहुत सबसे ऊंचा 15 फीट से ऊपर का वो है इसमें। और हम चलते हैं दूसरे रूम में।
हलवाई जो मिट्टी से बनाई गई, ये सोफे और ये बेड जो मिट्टी से बनाया हुआ है, इस पे सोना भी मिट्टी पे सोने जैसा है, इससे क्या होता है? इससे हर तरह की बीमारी खत्म होती है, कैंसर जैसी भी महाबीमारियां जो इसमें आके मड हाउस में आके खत्म हो जाती है। आओ दिखा दे, अभी इसमें काम चल रहा है। अभी इस बाथरूम में काम चल रहा है। जो हमने पहले जो विंडो बताई थी वो विंडो पूरब साइड में लगी हुई थी, ये पश्चिम साइड में लगी हुई है। ये पश्चिम साइड में विंडो लगी हुई है, ये भी स्लाइडिंग विंडो लगी हुई है, ये पश्चिम दिशा की व्यू देख सकते हैं इसमें, इसमें दक्षिण दिशा का व्यू देख सकते हैं इसमें। ये इस रूम का पर्सनल बाथरूम है, रिश्तेदार वगैरह इस कमरे वाले यूज कर सकते हैं। आइए दूसरा कमरा दिखाते हैं। ये कमरा बहुत बेहतरीन करके बनाया गया है। ये सोफा और ये बेड चौड़ाई इसकी 6 फुट है, 7.5 फुट इसकी लंबाई है। जैसे कि मैंने पहले रूम में बताया था, ये स्लाइडिंग विंडो पश्चिम दिशा में लगी हुई है, और ये अपना उत्तर का वो दिखाता है, व्यू दिखाता है। लाइट तो रात का व्यू बनाएंगे, एक और रात का होगा ना गाड़ी कैमरे टू माय हाउस के फायदे। माय हाउस से कितने फायदे होते हैं आज हम आपको बताएंगे। माय हाउस के फायदे ये हैं कि इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं, जो बाहर की गर्मी अंदर नहीं आने देती, ना बाहर की ठंड अंदर आने देती है, और ये गर्मियों के मौसम में ठंडा रहता है और गर्मी जाड़ों के मौसम में ये गर्म रहता है। इसलिए ये विपरीत रहता है। इसका क्या फायदे हैं? अगर बाहर ठंड है अंदर आओगे तो अंदर गर्मी महसूस होगी, और गर्मियों में जैसे बाहर गर्मी है, अंदर आओगे इसमें मड हाउस में तो मड हाउस में यहाँ ठंड महसूस होगी। मैं मठ हाउस टेक्निकल सैनी चैनल से बोल रहा हूं। अगर किसी को भी घर बनवाना हो बता देना, कॉल कर देना, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये घर हम बनाते भी हैं और बनवाते भी हैं। ये जो बनाए हुए घर हैं, ये हम हमारी सब मेहनत से बनाए हुए घर हैं।
मड हाउस आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। वेलकम।